हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो आपकी न्यू वैकेंसी जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, आपकी जो न्यू वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है वो आपके राजस्थान LDC एंड जूनियर असिस्टेंट की आपकी वैकेंसी जारी की गई है। आपके यहाँ नोटिफिकेशन भी रिलीज हो गया है। 4197 पोस्ट के लिए वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है, इसमें फॉर्म भरने से पहले आप इसके नोटिफिकेशन को रीड आउट ऑब्जर्व कर लीजिए। जो आपकी वैकेंसी हैं इनको भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। आपकी जो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है 20/2/2024 है, लास्ट डेट आपकी यहाँ पे 20/3/2024 रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, किस तरह आप इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताए जाएँ डिटेल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉर्म भरने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपको सभी आने वाली न्यू अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसके ऑफिशियल पोर्टल पर जाएंगे। आपको SOG जो ID है वो डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा को भरना है, लॉग इन कर देना है। अगर आप अपना यहाँ पे पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको पासवर्ड मिल जाएगा, आपको उसके बाद पासवर्ड डालना है, कैप्चा को भरना है और सिंपली लॉगिन आपको कर देना है। जब आप यहाँ पे लॉगिन कर देंगे, इसके बाद आपको सामने आपका डेस्कटॉप बोर्ड आ जाएगा और आपको यहाँ पे आपका जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है इस पर आपको क्लिक कर देना है। रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जब आप यहाँ क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपको जो ऑप्शन देखने को मिलेगा वो है आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपने यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले कर रखा है, आपने फीस यहाँ जमा करवा रखी है, तो आपको सीधा ही आपकी जो पोस्ट है उसके लिए आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ नहीं कर रखा है तो इस कंडीशन में आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ करना होगा और आपकी जो OTR पेमेंट डिटेल है वो आपको यहाँ फेस करनी होगी। तो आपकी सभी डिटेल जो आपकी पूछी गई हैं वो आपको यहाँ पे फिल करनी होंगी और सभी डिटेल फिल करने के बाद व्यू रिसिप्ट आप फॉर्म अपनी फीस जमा करवा के व्यू रिसिप्ट आप यहाँ पे ले लेंगे। तो आपके यहाँ पे जो भी क्वालिफिकेशन है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, टेबल कैटेगरी है, जो भी आपका मेडिकल स्टेटस है, सभी डिटेल आप डाल देंगे। इसके बाद अपनी जो पोस्ट है वो आप इस पर अप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ पे जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो अप्लाई पे क्लिक करेंगे और आपको अपना जो एप्लीकेशन नंबर है, आपका CET जो नंबर है वो आपको यहाँ डालना होगा। और आपको ये नंबर नहीं पता है तो आप यहाँ पे माई रिक्रूटमेंट पे जाएंगे और जो भी आपने यहाँ क्वालिफिकेशन है वो आपने यहाँ भरी है तो उस फॉर्म के लिए आपको, जैसे कि आपने यहाँ कॉमन AGT टेस्ट है, आपके कॉमन AGT टेस्ट आपका सीनियर सेकेंडरी है, तो जो भी आप यहाँ इसके लिए, आप दोनों के लिए अगर आपने फॉर्म भरा है तो दोनों को आप यहाँ पे व्यू करके एप्लीकेशन पे जाके और आपको जो अपना एड्रेस है वो देखने को मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र से नहीं आते हैं तो इस कंडीशन में आप यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र का जो यहाँ पे आपको ऑप्शन है, इसमें आपको यहाँ पे यस की जगह आपको नो करना होगा। और नो करने के बाद आपको जो भी आपकी यहाँ पे डिटेल है आपकी एड्रेस की वो आप यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे आपकी जो भी डिटेल है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। तो आपकी नेशनलिटी आप सेलेक्ट करेंगे, आपका जो भी आपका होम स्टेट है, आपका होम डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आपका जब होम डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद आपका जो होम आपका ब्लॉक है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। होम ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद आपकी जो तहसील है, तहसील आप सेलेक्ट करेंगे, आपका जो भी विलेज है, विलेज आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप अगर भारत किससे कहीं बाहर से आप यहाँ पे आए हैं तो आपको यस नो अपने अकॉर्डिंग कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी में अगर आप आते हैं, यस आप करेंगे कि आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, यस नो अपने अकॉर्डिंग कर देना है। क्या NCC कैडेट है, अपने अकॉर्डिंग करना है। भूतपूर्व कैदी है तो अपने अकॉर्डिंग यस नो कर देना है। क्या राज्य सरकारी कर्मचारी हैं, यस नो अपने अकॉर्डिंग कर देना है। अगर आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, किस वजह से चाहते हैं आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी डिटेल्स सेलेक्ट जब आप यहाँ पे कर लेंगे, चेक कर लेंगे, इसके नेक्स्ट आपको कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे डालनी होगी और कुछ क्वालिफिकेशन आपकी भरी हुई आएगी जो कि आपने फेच OTR फॉर्म भरते टाइम आपने करी होगी। तो इसे आप अगर चेंज करना चाहते हैं कुछ आप यहाँ पे, तो इसको भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपकी अदर जो क्वालिफिकेशन है जो कि आपकी है कंप्यूटर की, तो उससे पहले आपको यहाँ डिक्लेयर कर देना होगा। डिक्लेयर करने के बाद आपकी जो कंप्यूटर में आपने कौन सी आपने डिग्री आपने कर रखी है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। तो आपने यहाँ कॉपर सर्टिफिकेट है आपके पास, SCIT सर्टिफिकेट है, सीनियर सेकेंडरी आपका कोई सर्टिफिकेट है आपके पास, तो जो फिर आपके पास कोई डिग्री डिप्लोमा है या आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स है कंप्यूटर में, या आपने कोपा सर्टिफिकेट आपने यहाँ पर ले रखा है, या एनी अदर कोई हायर क्वालिफिकेशन है आपकी यहाँ पे कंप्यूटर में, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी आपने कंप्यूटर में जो क्वालिफिकेशन कर रखी है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। तो आपके जैसे सीनियर सेकेंडरी में आपके एज ए सब्जेक्ट आपने कंप्यूटर भरा है तो उसकी भी एंट्री आप यहाँ कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने यहाँ पे अगर RS CIT कर रखा है तो उसकी एंट्री आप करेंगे, सब्जेक्ट में आप कंप्यूटर डालेंगे
और उसके बाद आपका जो बोर्ड का नेम है, बोर्ड का नेम आपको यहाँ पे डाल देना है। बोर्ड का नेम डालने के बाद आपका जो भी रोल नंबर है, रोल नंबर आप डालेंगे। आपकी जो पासिंग आपका यहाँ पे डिटेल है, रिजल्ट मोड, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। डिटेल मोड सेलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पे जो भी पासिंग ईयर है वो उसकी एंट्री आप करेंगे, आपकी परसेंटेज आप यहाँ पे डाल देंगे। सभी चेक करने का नेक्स्ट आप यहाँ पे करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो आपकी फ़ोटो है, सिग्नेचर है, वो आपको अपलोड करना होगा। आपकी फ़ोटो और आपके सिग्नेचर की यहाँ पे साइज है वो आपको दे के रखी है, तो आप यहाँ पे इसी साइज में आपको अपना फ़ोटो है, सिग्नेचर है, आप वो अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है विजुअल बॉडी मार्क्स, तो आपकी बॉडी पे अगर कोई निशान है तो वो आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। नहीं है कोई आपकी बॉडी पे मार्क्स तो आपको नो एंट्री यहाँ पे कर देनी है। और इसके बाद आप सभी यहाँ पे चेक करने का नेक्स्ट आप करेंगे। और नेक्स्ट करने के बाद उसके बाद अब आपका यहाँ पे आता है पोस्ट प्रेफरेंस, तो आप जिस भी पोस्ट के लिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग आप पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे देंगे। आपको अगर प्रेफरेंस देने में आपने गलती कर दी है तो आप इसे चेंज भी यहाँ पे कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस एक बार डालने के बाद चेक आप यहाँ पे कर लेंगे, और जब सब कुछ सही है तो उसके बाद ही आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पे फाइनल जो आपका स्टेटस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। आपका यहाँ पे डिक्लेरेशन आपको यहाँ कर देना है, और आपको सब कुछ सही है तो फाइनल सबमिट आप यहाँ कर देंगे। सारी डिटेल देखने के बाद फाइनल सबमिट जब आप यहाँ कर देंगे, उसके बाद आपका यह फॉर्म है जो कंप्लीट हो जाता है। जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।